लड़ाई करने वाली बात कर रही। मैं तो बहन भैया देखे झगड़ा कर। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मैं तमाम बहन भाई सब खैरियत से। तो ये हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह हमारी सुबह से ही हुई है। तो लेकिन अब हम अपने वीडियो का आगाज उनको देख सकते हैं। घास और इस तरह की कार की है, निकली है कि नहीं? अच्छा, मेरे पुट्ठों में बड़ा दर्द हो रहा है ना मेरे। चलो देख लेते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं अपना। तो क्या ये बकरी पे नहीं डालना? अच्छा आधा कर। हाँ जी घूम फिर आए। दर्जी खुद हम बकरी पर डाल रहे हैं जी घास। जनाब आ तो सुबह ही बता रही है कि धूप क्या हुआ आज? मैं आज अभी भी हवा चल रही है, दर्जा रहा था आज का खास है। अच्छा लेकिन जो ईद वाले दिन का होगा ना वो बताएगा सही, वो ज्यादा होगा। 47 डिग्री सेंटीग्रेड की टेंपरेचर है। कोई नहीं, 48 तो हम वैसे भी भुगत रहे हैं। सुबह सुबह ही और धूप बड़ी तेज है। इधर मैंने थोड़ा सा धूप रखा हुआ था वो गर्म किया है, और है ना इधर मैंने बनाई है चाय। तो खुद हमको मैंने कहा कि कुछ लेके आना था, चाय के साथ खा लेते हैं। अब देखते हैं, अभी तो दूध लेने के लिए गया क्यों कि फिर बच्चों के लिए ना दूध नहीं बचता। नहीं नहीं अभी गैस भी नहीं होता जिसपे कि बंदा गर्म करे। थोड़ा सा दूध है, जैसे दूध आ जाएगा हम गर्म तो कर लेंगे ना, गर्म करके रख लेंगे फिर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और इशरत का मुझे पता नहीं है, कॉल करती हूँ इशरत को कि आज चल रही है कि आज भी कि नहीं चल रही है, रोज़ कल कल तो रही है। फ़ोन करती हूँ उसे अभी क्योंकि 8:30 बजे टाइम निकलता है वहाँ से, तो अभी 8:30 तो नहीं है जो चनाब नगर टाइम है ना। अभी तो 8 बजे है। हाँ अभी तो 8 बजे, तो वो 8:30, 8:45 पर निकलता है टाइम। पूछती हूँ मैं कि क्या करना है आज उन्होंने, क्योंकि दाद तो उन्होंने कहा था कि हमने सामान वगैरह पैक किया हुआ है और मैं आ रही हूँ। अच्छा ये कैक्शा की, ये ओनियों की पपल आए हैं? हाँ जी बात है जी। तो जब खुद हम दूध भी लेके आए हैं और बासन खाने वगैरह भी ले आए हैं। केक और बाकर खाने में तो इशरत से बात हुई है, वो निकलेंगे वहाँ से प्लेन से, लेकिन पाकिस्तान से निकलेंगे फैसलाबाद से। मैंने कहा इशरत से बात हुई है, वो फैसलाबाद से निकलेंगे ट्रेन से पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सप्रेस। अभी वो कह रहे चनाब नगर में टाइम नहीं, सीट नहीं मिली। टाइम कह रही हूँ, सीट नहीं मिली थी। मेरी इस वक्त धो रही है माशाल्लाह से बर्तन और छाँव में बैठी हुई है। इस वक्त धूप बहुत तेज है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है शिद्दत। ठीक है ठीक है जनाब, मेहरबानी आपकी मशीन में भी लगानी है। हाँ मशीन लगा रहा हूँ मैं। ठीक है तो कैक्शा इधर से धो रही हुई है और झाड़ू लगाई है, तो वो कचरा बीच में ना जाए। पहले वहाँ का पाइप बंद हो गया था मेरे बेटा, तो चूल्हा ना धोया मैंने तो खुद हमने उठा कर यहाँ रखा इसे। और ये दोनों तो भाई वहाँ बैठे हैं, वो टेबल का मम्मा? टेबल की शीट कैक्शा धो दी आपने? तो इधर सर जी कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, आज तो मशीन लगी हुई है जी। मैंने कहा जो बचे हुए कपड़े हैं जो कल तुमने बचाए हैं। अच्छा 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 अच्छा
वो बेड शीटें अभी और भी है, मैं निकालती हूँ क्योंकि सारी अब धुल जाएंगी ना, कल बिछा लेंगे। हाँ कल बिछा लेंगे, ये वजनी काम मुझसे नहीं होता, मेरे जो बस का काम है मैं अपना वो कर लेती हूँ, जो बस का ना हो ना वो मैं नहीं कर सकती, वो भी कर लेते हैं ना, लेकिन पहले यहाँ से ना ये तो उठाए ना, और पता है कि घर में अब ना इश्त आ रही है ना, पूछते कॉल करके कितने बजे निकल रही हैं, तो फिर ये कि जैसे वो आ जाते, हाँ चल पाई आ गई ये, हाँ जी ठीक है मैं आ रही हूँ। अक्षा तो ये चलपाई जो इनसे तैयब की मम्मा ने बनाई है, बाजी मुझसे ऐसी बनी है, मैंने कहा कोई नहीं सही है, हमने कौन सा कोई जेज में रखनी है क्यों जी, मैंने कहा मेरी बहन सही है। हाँ जी उतर गया, आ गया और धूप में आया है, धूप में आ गया है, खुदा उठाना इसे, क्या अक्षर चलती है, छोड़ दो काम छोड़ दो, धूप में खड़ा है वो, उतर आया वहाँ से नीचे, पैर उठा ले तो पैर ये देख लो, नहीं पाओ अगले ने उठा लिए, दोनों इकट्ठे कर लेते अपने पाओ ना, इधर ये कुल्फी खा दे, नाइया कर ली उन्होंने आपने, चलो कर ली, चलो सही है, फिर मैं कपड़े निकालू और जो उनसे धोने वाले सारा, और जनाब वो सूट शिलिंग कर देते आप और के अक्षर दोनों जाते, जाकर जो सा ना किसी तरह की मम्मा को दे देते, उसका नसीम का और इशरत का सूट जो है ना सवेदा की मम्मा को दे आते, मैंने कहा जाके रख दिया वो अक्षर ने, धोने वाले जनाब कपड़े बहुत आप पहले ये तो धोए ना मम्मा, जी जी जामन धोए नहीं है, धो के खा लिए, मैंने धो पहले अच्छे से, तो ये जामन और अच्छे से इनको धो लेते हैं क्योंकि गैस गया हुआ है, पाइप ये तो 200 रुपए किलो है, क्या चीज है जामन, तो पापा ने कितने लिए, उनके पापा ने भी 100 रुपए के लिए, हवा बड़ी प्यारी प्यारी चल रही है, दिन मैंने दिल कर सो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं चल पाएगी, सारे आलू और पालक लिए मैंने ना, आलू पालक बनाए जा रहे, आलू पालक बना लेंगे या पनीर पालक बना लेंगे, कुछ तो करेंगे, सब्जी ये दे देना इनका वापिस, मैं ये कह रही हूँ ये रखो अंदर, ये भी है मम्मा जी, क्या चीज रोने लग गया था, फिर मैंने उसे पकड़ा, उसकी वॉकर वगैरह धो ली, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी ना, अच्छा मैंने बताया ना जितनी मुझे हिम्मत थी ना मैंने उसको पूरा कर लिया, ज्यादा कर दू टांगों में खिंचाव पड़ता है बहुत ज्यादा, ये गिलास अंदर रखने पड़ेंगे, इतना पे काम करें वहां कपड़ा बिछा दो मुझे, मैं पालक बना लू, पालक बना लू पनीर पालक बना लू, जो तुम्हारा दिल कर रहा है जो दिल करे मुझे बता दो, फिर कहोगे मेरी को मानी जाती है, मानी भी कहा जाती है किसी और की मानी जाती है, वो तो देख रहे उसे अब ने लाया और उसके काम चेक कर, इसलिए तो यहाँ पे मैंने चटाइयाँ बिछाई हुई थी, चटाई गई का अम्मा वो खड़ी नहीं है, मम्मा बिछा लो आज, हीट बड़ी होती है, हीट होती है फिर परसों कुर्बानी तो उसे कीनी है बहुत हो जाएगी, चल कुछ ना कुछ देखेंगे जो बेहतर होगा ना, सुबह से पूरे घर में फिनाइल वाले टाके लग चुके हैं, लगाई है मगर कोई पता नहीं कि कहाँ फिनाइल वाले टाके लगे, इसलिए कह रहा हूँ घर ही कर देंगे सारा, चल ठीक है।
ठीक है, मुझे पाइप दे चला के, मैं तो पौधों में पानी शानी लगाऊँ, लगाया नहीं आज। अच्छा नहीं, आज नहीं लगाया। तो पापा ये पौधों में दे रहे हैं पानी, पानी सारे हो गए। और गंद भी बहुत हो जाता है, गंद भी बहुत पड़ा हुआ है। क्या करें, सारे नीचे बोतले हैं। यार मैंने कहा था उन्होंने उठवाने के लिए, चले ना करे उठा ले, ये तो मैं ही ना उठ जाऊं। इतनी हीट होती है कसम से कि आज जब बैठते हैं ना रात को बैठा नहीं, कि सारा दिन की ये तपी बोतले रात को जेल में से हीट नहीं सकती। ये देख लो बेल मेरी तबाह हो चुकी है, और ये अंगूर की बेल ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा इधर ये देख लो रात के दाने, दिन का ना जाए तो सारे तबाह हो चुके हैं। इसमें कितना शापत उनका है, कितना क्या चीज़ अपनी है कोई पता। अपना तो सिर्फ ये टप पड़ा हुआ, ये घोड़ा पड़ा हुआ, ये झूला पड़ा हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जाओ झगड़ा नहीं करती, मैं तो बात ही करती। झगड़ा करने वाली बात कर रही, मैं तो बहन भैया देखे झगड़ा करने वाली। इस पे झगड़ा रो तो क्या हुआ? ये मैं तो कह रहा था उस दिन कीड़े, ये देखे जो ये उड़ उड़ के आते हैं बाहर से अंधेरियों में छाप पड़ती है, हालांकि रोजाना झाड़ू लगती है, रोजाना भी लगा रहा। ये जी माशाल्लाह ईद की शॉपिंग कितनी जबरदस्त, अल्लाह नसीब करे आमीन। तो ये किसकी शॉपिंग है? ये भी आपको बता सकते सवेरा की। ये सवेदा का सूट है। अच्छा, और दूसरा ये पकड़ा सवेदा, क्या लगाते जाओ, मेरा काम है वीडियो बनाना। ये किसका है? ये किसका है? ये जवेरिया का, माशाल्लाह। इसका दुपट्टा, इसका ये वाला, क्योंकि एक ही दुपट्टा खोल लिया ना बस, वो वाला दिखाया कि सारे दुपट्टे एक जैसे हैं लेकिन ये कलर अलग अलग है, सारे एक जैसे है ना। माशाल्लाह, इधर बाजी बैठी हुई है, क्यों फिर ना वो चैनल में आती है फिर ना मैं देखती हूँ, आप सबको पता ही है। क्यों मेरे कपड़े सादे सिलवाया ना हमने, तो बाजी ने सी के दिए मुझे माशाल्लाह। अच्छा ये सबसे प्यारा, ये अलग अलग है सबके लेकिन ये अच्छा ना डिजाइन, ज्यादा डिजाइन ज्यादा अच्छा, ये डिजाइन ज्यादा अच्छा। किसका है ये? किसका है ये? सुंदर का है, आपको लगा था फायदे मिनी माउस का, इसका खोला था। हां ये खोला नहीं है, इसके तो बता दिया। ये देखा, ओहो ये चुड़ैल का है, ये इसका है मारिया का चुड़ैल का ना, इसी तरह है इसका है मारिया का चुड़ैल का। अच्छा कितने कितने के मिले ये? 25-25 के सही है, लेकिन मुझे शलवारों में कपड़ा डालना पड़ेगा ना। ये अच्छा जी, और ये इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा। अच्छा और ये किसका? ये मुस्कान, हाँ जो मेन जड़ का सबसे छोटा पीस होता है ना हमारा, ये ये जी मुस्कान का, मुस्कान का अपनी जगह पे आ रहा है लेकिन अब मुस्कान पहले ये जान छुड़वाते हैं, है बोलो मुस्कान पहले जान छुड़वाते हैं बस। ये किसका है?
ये बगैर सिला को भी दिखाते हैं। ये किसका है? मारिया। ये सुंदर का मौसम। सुंदर की मौज लगी है। सुंदर की मौसम। ये डिजाइन बनाया है। ये बड़ा पुराना डिजाइन है याद है? अब नहीं बना बना के पहने हैं। ये जी प्रॉब्लम। ये बाजी ने खुद सिलाई की है। जो मेरे कपड़े हैं ना वही बाजी ने खुद सिलाई की है। ये इसका दुपट्टा। यहाँ पे क्यों रख के जा रही हूँ? सब बहन भाई देखते जाएंगे। पहले मैं ये दिखाऊँ बाजी ना आगे ज्यादा। ये बाजी अभी इसकी है ना का सूट सिलाई कर दी। ये किसका है? ये मारिया। हाँ ये मुस्कान का। मुस्कान की बन गई कोई है भाई खेल रही है। अच्छा ये इसका दुपट्टा है ये वाला। अच्छा दो दुपट्टे फेंक दिए थे मेरे पर। ये वाला मशा तो बच्ची आपका कौन सा है? अच्छा माशाल्लाह ये पंचों का डिजाइन बड़ा जबरदस्त बना है। दिखाओ ये आपने खुद ने बनाया? किसने? जुबेरिया ने। माशाल्लाह ये के बच्ची ने सिलाई सारी बच्चियों को सिखा दी। इस चीज की खुशी है क्योंकि आनी चाहिए। सवेदा ने जो पंचे बनाए ना कि अक्षय के वो मैं दिखाऊंगी। अच्छा ये प्रिंट पीस का है सर? ये इसका दुपट्टा है। अच्छा हाँ ये सवेदा का। सवेदा क्या क्या अक्षय के सच पहुँचे एक जैसे ही। अरे सवेरा नहीं बनाया मैं। सवेदा नहीं बनाए ये पैंचे भी और एक कैक्षा के भी ऐसे पैंचे सूट के तो वो भी सवेदा ने बनाए। ये ईद वाले दिन के कपड़े हैं इनके सब के। कितने है भला बाजी? माशाल्लाह पांच है। तो पांच है फिर सालों के एक एक दो दो जोड़े पड़े तो माशाल्लाह। तुम्हारा छक्का था यहाँ पंजा है। हाँ हमारा छक्का था। हम माशाल्लाह छह पहले आए। ये दुपट्टा इसका ये है जी सवेदा की अम्मी के। ये प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है। नहीं अच्छा बाजी का ना दबा सूट होता है लेकिन होता बड़ा जबरदस्त है। यह लेंगी बिल्कुल क्या है कलर में? यह लेंगी बिल्कुल लाइट कलर में। नहीं बुढ़ी क्यों होगी? ये अच्छा कलर है। ये बहुत प्यारा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि 17-18 साल की उम्र में शादी और अब बुढ़ी भी होगी। वो भी है बाजी यकीन मान जिनकी बेटियां औलाद शुदा है ना औलाद वाली है ठीक है तो बस ना पूछो उनका भी बड़ा कुछ होता है। वो कहती है हम 30 साल की हैं। अच्छा अच्छा कुल सिलाई की है बाजी ने कुल सिलाई की है। मर्दाना सूट। मर्दाना सूट। हाँ जी तुम्हारे पापा की मौज है। ये हुसैन का। अच्छा ये उस्मान का। अच्छे सी है बाजी ने कपड़े। अच्छे सी थी। ये हुसैन का। अल्लाह पहनना नसीब करे। आमीन। ये और जो कुछ रह गया अल्लाह पहनना नसीब करे। आमीन। मैंने रेडीमेड इसलिए नहीं लिए कि नाम पहन सकते हैं और ना पहने जाते हैं। बच्ची है बच्चियों के ही काम है पहनने वाला ठीक है। तो हाँ कैक्षा के जो है ना वो टाइट्स और वो शर्ट भूली गई। टाइट्स पहनने का और शर्ट अपने वो तो आम रूटीन में पहनने का। आम रूटीन में पहनने और जो सब दूसरा है छोटा उसके भी समझो दूसरे कपड़े कमीज सलवार और मोहम्मद के भी कमीज सलवार है ठीक है। अब इज्जत आती है वो देखो वो क्या। अब मैंने तो कहा मैंने कभी उसकी अपनी मर्जी उसका पैसे दे देंगे चाहे रेडीमेड ले जैसे मर्जी। हाँ उसकी बच्ची का एक रेडीमेड ले लिया हुआ और एक मैंने चार पांच मैंने दूसरे सिलाई करवा दिया। खुद करे हम तो चाहे अपने दिखा दे।
कौन करते हैं? है गर्मी है, पहले नहीं जाते, इनमें हवा नहीं लगती। ये एक दो वाश के बाद ये सही होंगे। हाँ, एक दो वाश। दो जुतियाँ, दो 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 दिखाओ किधर है। सिद्ध सलामत जुतियाँ पड़ी हैं। अच्छा जी, इनके यहाँ भी जूतियों का ढेर ही आता है। हाँ माशाल्लाह, तो हमारे अभी यही है। अम्मी कहती होती थी अल्लाह जन्नत नसीब को, तो कहती थी अल्लाह मेरे कमाने वाले की ख्याल रखे, मेरे बच्चों की भी ख्याल रखे, मेरे बच्चों की भी। जो हम पहन के निकलते थे ना, वो कहते थे हाय ये हाँ दहेज तो दिखा दी मैं। हमारे बहन भाई जन से ना बिदौने हमारी मुझे लगता है उनको वहाँ ईद का पता ही नहीं होता, तो इसलिए फिर वो ना ये चीजें देख के बहुत खुश होती है। अच्छा किसकी जुती है ये? मारिया की। ये मारिया की, मारिया की। अच्छा माशाल्लाह, जुतियाँ पहनी कहना चाहिए। सवेरा सही है ये बिल्कुल जबरदस्त जुती है। ये किसकी? जवेरिया। मौज लगी जवेरिया, माशाल्लाह जवेरिया टॉप। जवेरिया की जो शॉपिंग है ना वो जबरदस्त है। एक जवेरिया की, एक सुंदर की। जी जी, ये जी बहन भाई, अब ये सारा चीज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जुत्ती किसकी है? अच्छा ये सुंदर की। अच्छा और कौन सी है भैया? कौन सी सुविधा दे रही? ये गोटा। ए बाजी, ये नीचे से उखड़ गई, ये देख लो। अच्छा ये ईद की भी है, उस ईद की थी, इस ईद पे ही पहननी है। सही है, सही। मैंने तो ली नहीं अपनी जूती, ये किसकी? ये किसकी? मैंने कहा ना माशाल्लाह मोर सुंदर की। ये सवेरा की भी सही है। सवेरा की है ये? अपने अपने पसंद है ना बच्चों की, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, तो फिर इसलिए। लेकिन जी सुंदस नंबर लेगा इस दवा? नहीं माशाल्लाह, सुंदस की जो मेरी शॉपिंग है वो जबरदस्त नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह अच्छी है, क्यों दिल तोड़ ले बस। नहीं नहीं, सुंदस ले गई नंबर अपनी जगह। दरअसल ना बात ये है कि तंग कर रहे हैं वो ज्यादा, हमसे ना सुंदस को नंबर इसलिए दिए जा रहे नेपाल में। सारे सुंदस का सर क्या पाड़े, अपनी माँ का पाड़े, जो उसकी शॉपिंग अच्छी करो हमारे। मैडम हमारी इस वक्त आती जो है बना रही है खाना, और यहाँ पर प्याज हो चुके हैं हमारे। ये मैंने सारा ना तैयार कर दिया हुआ, आप मुझे इसको पीस देता हूँ। अगर प्याज जल ना जाए मैं इसे नीचे उतार, इसको नीचे उतार ले। और उधर उबल रही है हमारी पालक, दूध उधर रखा हुआ है मैडम ने। हाँ जी, और जो है बाद से गर्म किया ना। अच्छा, तो इसलिए तो कह रही है मैं रात को 8-1 बजे तक फोन कर दूँ, क्योंकि अब वो घर से निकले। ठीक है, तो फिर मैंने कहा सालन तो मैं बना के रख लूँ, कहना कि चिकन ना बनाना, कुछ ऐसा वैसा कुछ ना बनाना, सब्जी बनाना। फिर मैंने कहा चलो मैंने पालक पनीर और ना पनीर है थोड़ा सा, मैंने कहा मैं बीच में 2-3 आलू का। चलो ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ये आप ही देंगे, ये मैं पीस के दे देता हूँ। मैं ये सब मिर्चे हैं और ये धो लो सामान सारा। चलो, और वैसे भी जहर का टाइम हो चुका है। जी जी, जहर की नमाज का टाइम, और मशीन हमारी अभी तक लगी हुई है, क्योंकि हम बीच में छोड़कर चले गए थे। जाना भी तो जरूरी था ना, मैं दर्द हो रहा है वहाँ बैठे ना जमीन पे ज्यादा देर। ठीक है, ये मुझे पीसना है, ठीक है, तब तक जो मसाले इसमें मसाले वगैरह। ओके ओके। ये जी पीसा जा रहा है यहाँ पर वो मसाला, और मैंने इधर ना पहले
नहीं टमाटर डाल दिए मैं, जल्दी है क्या करे गैस ना चला जाए, तो पालक भी उबल जाए और धूप बड़ी तेज हवा भी है साथ में। इसमें पालक ऐड कर दी गई है जी जी, और साथ ही जो है आलू भी, हैं आलू भी चले। इसका तो पानी कुछ भी नहीं है लेकिन ना हमारे पास टाइम कम है, और पनीर तो रखा वो तेल में डलेगा। अच्छा मेरे काम है मैंने ना वो नहीं क्या मिक्स नहीं मिक्स करके इसका ऊपर ढक्कन लगना था ना। अच्छा अब कर दी मिक्स, अब कर दी मिक्स, अभी एक ढक्कन डाल दूंगी आलू गले उसके बाद ना ये पनीर रखा हुआ है मैंने कही ये थोड़ा सा पनीर था हाँ थोड़ा सा बस दो मैंने कही वो डाल दो दो तीन आलू चले बस हो गई मेरी आज हो ही जानी थी हो ही जानी थी बस कह ले कोई नहीं अभी तो तीन दिन थकना है। हाँ जी सर में भी दर्द हो रहा है, नहाऊं ना कर सालन तैयार हो जाएगा नहाऊं ना कर मैं कोई नफा लगा करो और ये थोड़ा सा सुकून करो हम मुझे प्यास लगेगा तो उसे पानी। अच्छा हाँ जी तुम इधर देख रहे हो बहन भाई मेरा सालन बन चुका है और ख़ुदम के अभी तक कपड़े नहीं धुले तो बस अब इसको ना थोड़ी देर ना दम पे रख देते हैं। आलू पालक और पनीर तुमने बताया था कि मैंने तो बना के ना फ्रिज में रखा हुआ तुमने तो